बात होती है, इंडिपेंडेंस डे की जब जब बात होती है, क्या कुछ जहन में आता है आपके एंड क्या फील करते हैं? इंडिपेंडेंस डे आई थिंक किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि फ्रीडम की बात करते हैं अगर हम इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं, और फ्रीडम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट बेसिक फंडामेंटल राइट जो हर सिटीज़न को मिलना चाहिए, जो हर सिटीज़न के साथ होना चाहिए। लेकिन सिर्फ देश की आज़ादी, मतलब मैं इंडिपेंडेंस डे से कनेक्ट नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल फ्रीडम्स भी होती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ यू नो सेक्सुअल ओरिएंटेशन अभी एक टॉपिक है जो बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। सो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ फ्रीडम्स जो आई थिंक हमें एक फ्री कंट्री बनाती हैं, नॉट जस्ट बीइंग इंडिपेंडेंट बिकॉज ब्रिटिश हम पर राज नहीं करते, लेकिन कुछ उनके जो लॉज थे वो अब भी हमें मतलब गवर्न कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। जो पुराने उनके ज़माने के जो मतलब नियम थे वो अब भी लागू हैं, जो हमें निकाल देना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि इंडिपेंडेंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट बीइंग फ्री फ्रॉम एनी फॉरेन पावर्स। आई थिंक मुझे लगता है इंडिपेंडेंस का मायने का मतलब ये भी है कि हम इंडिविजुअली अपने आप को फ्री मानते हैं टू से समथिंग, टू एक्सप्रेस आर सेल्फ क्रिएटिवली थ्रू आर्ट, टू बी एबल टू वॉइस आर ओपिनियन, जो मतलब इंडिविजुअल की जो हमारी जनता है उनकी जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, देन वी कैन कॉल आवरसेल्फ्स फ्री। क्या कुछ चेंजेस आने चाहिए आपके अनुसार? ऐसा कोई एक लॉ मैं नहीं जानता जो मतलब कि ब्रिटिश ईरा का हुआ होगा जो आज भी लागू है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं मतलब रोज़ पेपरों में पढ़ता हूँ कि इस लॉ को मतलब 19 सेंचुरी में मतलब शुरू किया गया था और अब भी हमारे साथ मतलब हमारे ऊपर लागू हो रहा है, जो हमारी सोसाइटी आज की सोसाइटी आज की थिंकिंग के साथ नहीं जाता है। तो उन सारी चीज़ों को मतलब आई थिंक नए सिरे से देखना चाहिए और उनको निकाल देना चाहिए, और हमारी जो जनता है उन्हें आज की सोसाइटी, आज की दुनिया जो एक ग्लोबल मतलब सोसाइटी हो गई है अभी बिकॉज ऑफ़ दी इंफॉर्मेशन एंड बिकॉज ऑफ़ टेक्नोलॉजी, उन सब चीज़ों को दिमाग में रखकर हमें मतलब नए लॉज को लाना चाहिए। इंडिपेंडेंस डे के दिन पर्टिकुलर आप कैलिफोर्निया जा रहे हैं, वहाँ कुछ अटेंड करने वाले हैं, तो आप बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं और क्या क्या करने वाले हैं? हमें बे एरिया में जा रहा हूँ टू अटेंड द इंडिपेंडेंस डे परेड, और वहाँ मैं ग्रैंड मार्शल के तौर पर मैं बुलाया गया हूँ। तो वो मतलब एक एनुअल उनका एक फंक्शन होता है जो वहाँ की इंडियन एसोसिएशन जो है वो ऑर्गेनाइज करती है, और हर साल एक मतलब ग्रैंड मार्शल एक चीफ गेस्ट बुलाया जाता है इंडिया से। तो US गवर्नमेंट भी अटेंड करती है उस फंक्शन को, गवर्नर आते हैं कैलिफोर्निया के, और एक मौका मिलता है कि वहाँ की एक मौका मिलता है वहाँ के देसियों से मिलने का जो इंडिया बहुत सालों से पहले छोड़ गए थे, लेकिन अब भी हमारी कल्चर को वहाँ मतलब मजबूत तरीके से बरकरार रखे हुए हैं। तो उनको खुशी होती है हमसे मिलने को और हमसे मिलने में, और हमें खुशी होती है उनसे बात करने में, क्योंकि वो हमारे फैंस भी हैं, हमारी फिल्में भी देखते हैं। तो ये एक इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन जो है वो एक ज़रिया बन जाता है मतलब ईस्ट और वेस्ट इन को मिलाने का और आइडियाज़ शेयर करने का और बस खुशी मनाने का, इंडिया की इंडिपेंडेंस का खुशी मनाने का। जितना मेरा नॉलेज है आपसे पहले आपके पिताजी भी जाया करते थे। जी 91 में गए थे एज ग्रैंड मार्शल इन न्यूयॉर्क, और मैं उनके साथ गया था। तो कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है जब आप डैडी के साथ में गए, तब आप बहुत ही छोटे और अब आप इसे अटेंड। उस वक्त तो मुझे मतलब बिल्कुल मन नहीं था मेरा जाने का। हाँ, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे स्कूल में, मुझे वो एग्ज़ाम्स मतलब स्कूल मिस करके जाना था, जो मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने एग्ज़ाम्स जो 10th के एग्ज़ाम्स है मेरे स्कूल के एग्ज़ाम्स वो मिस ना करूं। तो बहुत झगड़ा किया था मैंने अपने पेरेंट्स से कि मुझे नहीं जाना है, लेकिन मुझे जाना पड़ा क्योंकि डैड जा रहे थे, तो मॉम चाहती थी कि एज ग्रैंड मार्शल पूरी फैमिली साथ हो तो बेटर होगा, तो फिर मैं गया न्यूयॉर्क। जी, चलिए, आई विश कि ये वहाँ जाकर आपका इंडिपेंडेंस डे बहुत ही अच्छा हो। जो इसके बाद जो रक्षाबंधन आ रहा है, इसकी कैसी तैयारी करते हैं आप? कुछ ऐसी तैयारी नहीं होती है, मतलब हम साथ रहते हैं एकता और मैं, और एक दूसरे के लिए मतलब अब तो पूरी दुनिया जानती है, मतलब ट्विटर, इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों के ज़रिए कि हम कितने क्लोज हैं, हम कितना मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, फिल्मों की बात हो या ना हो भी। और आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे, एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए हर भाई बहन के बीच। इट शुड नॉट बी ओवरटली आउटवर्डली एक्सप्रेसिव और इमोशनल और मतलब जो दिखावे वाला होता है, और वो मतलब एक दूसरे के लिए कुछ करते भी नहीं है। आई थिंक एक फ्रेंडशिप रहनी चाहिए जो रक्षाबंधन में हो या ना, रक्षाबंधन के थ्रू
मतलब एक्सप्रेस किया हो हमें, सॉरी, जो रक्षाबंधन के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सकता है, या फिर वैसे ही मतलब एज फ्रेंड्स वी कैन जस्ट बी टुगेदर ऑलवेज एंड बी देयर फॉर वन अनदर ऑलवेज. ज़रूरी नहीं है कि मतलब इस ट्रेडिशन के थ्रू ही मतलब हम दुनिया को मतलब दिखाएं कि हम कैसे इतने क्लोज हैं. मतलब मनाते तो हैं हम हर साल, लेकिन कुछ ऐसी खास तैयारी नहीं होती, कुछ ऐसी मतलब अब तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन उस दिन तो मीडिया भी नहीं होगी हम जब हम रक्षाबंधन में. लेकिन उस दिन क्योंकि आप तो सिस्टर एकता जी की बात करो, आप डेली उनसे मुलाकात होती है आपके घर पे, लेकिन ऐसे स्पेसिफिक कोई ऐसी प्लानिंग करते हैं आप रक्षाबंधन के दिन, कोई ऐसे सरप्राइज आप एकता जी को ऐसे कुछ करते हैं? नहीं, मैंने ऐसे कुछ सरप्राइज़ किया नहीं है, लेकिन मैं जब ट्रैवल करता तो एक तरह कुछ ना कुछ खरीदता ज़रूर हूँ जो उसके काम आए, और वो मेरे लिए एक रक्षाबंधन बर्थडे गिफ्ट ही मान लो, रक्षाबंधन गिफ्ट मान लो, भाई दूज का गिफ्ट मान लो, तो सब एक ही साथ मतलब मैं पूरा मतलब उनके लिए शॉपिंग करके मतलब पूरा निभा लेता हूँ. सो ऐसा कुछ प्लान करता नहीं मैं, बर्थडेज़ को लेकर भी बहुत कमज़ोर हूँ मैं. मतलब मैं कुछ ऐसा खास करता नहीं हूँ किसी के लिए भी, कभी कभी मेरे फ्रेंड्स के बर्थडे भी भूल जाता हूँ. मैं खुद अपने बर्थडे के लिए मतलब नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे लिए कुछ करे, मैं चाहता हूँ कि जितना लोग की हो, जितना मतलब इन्जॉय करें हम, लेकिन ज़्यादा मतलब लाउड और शान शौकत के साथ ना हो. रक्षाबंधन की ऐसी कोई ख़ास मेमोरी तो नहीं ले, बस एक याद है कि हम पुराने घर में हर साल मतलब वेट करते थे रक्षाबंधन है आज. बचपन में बच्चों को तो मतलब बहुत पसंद होता है ना ये सब फेस्टिवल, बहुत पसंद होता है, तो उन्हें मतलब याद रहता है कि अरे यार होली आ रही है, फिर रक्षाबंधन आ रही है, तो इट बिकम लाइक अ गेम ना टू टाई राखी एंड देन एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के साथ इन्जॉय करना, बाहर जाके खेलना, पूरी बिल्डिंग में सबके घरों में रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, किसकी राखी, कितनी राखियाँ हैं किसके हाथ में, बचपन में किसकी अलग अलग राखी, सब शो ऑफ करते थे ना कि ये मेरी ऐसी है, ये मेरी ऐसी, मेरी तेरे से बड़ी है. स्कूल में भी अगले दिन मतलब सब राखियाँ पहन के आते थे, काउंट होते थे, मतलब मेरे पास 12 1 2 3 4 बस. तो उस समय ना जमाने में तो अलग ही मतलब एक मस्ती होती थी रक्षाबंधन को लेकर. अब अलग है, अब मतलब सब मिनिमलिस्ट हो गया है, सब एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी हो गया है, मतलब सब इकोनॉमिकल हो गया है, बहुत छोटा हो गया है और बहुत प्रिसाइज हो गया है, टाइम मैनेज हो गया है सब कुछ. लैला मजनू भी आया, ट्रेलर आया, आपने देखा? या क्या फीडबैक था कि आपके ही प्रोडक्शन का है? बहुत अच्छा फीडबैक है, और मुझे लगता है कि बहुत टाइम के बाद एक लव स्टोरी आ रही है जो एक नॉर्मल लव स्टोरी हो, मतलब एजी ना हो, मतलब वो ज़्यादा मतलब ऐसा ना हो जो कि हाँ दिखाते हैं अभी हम आपको कि 2018 की लव स्टोरी कैसी है. ये मतलब जो सदियों से चला आ रहा है प्यार, जो इमोशन कभी चेंज नहीं होगा, वैसी लव स्टोरी है जो मतलब आप बेताब में देखा आपने, लव स्टोरी में देखा आपने, या फिर कहो ना प्यार है में देखा आपने, बरसात में देखा आपने, जो ऐसी बहुत लेजेंडरी लव स्टोरी है हमारी बॉलीवुड की, तो उनमें मतलब प्यार जो है वो सिंपल ही है, सिर्फ मतलब दौर बदलता जाता है. तो ये आई थिंक लैला मजनू भी एक मतलब सदियों पुरानी कहानी है जो आज भी मतलब लागू होती है हमारे इस मॉडर्न 2018 के सोसाइटी में. सो इट्स दैट काइंड ऑफ अ फिल्म, इट्स अ फिल्म फॉर टुडे, बट इट हैज़ दैट सेम एसेंस जो सालों से चला आ रहा है, जो सदियों से, जो मतलब हमारी इंडियन यंग युवा पीढ़ी के अंदर जो मतलब एक रोमांस का जो एक जोश है, एक जुनून है, वो आज भी बरकरार है, जो आप लैला मजनू में देखेंगे. एक वेब शो कर रहा हूँ मैं जो वो तो कॉमेडी होगा, लेकिन उसके अलावा एक दो फिल्मों मैंने को मैंने हाँ किया है जो थोड़ी हटके कॉमेडीज़ हैं, जो मतलब एक फार्स कह सकते हैं आप उसे, तो नॉर्मल टिपिकल मसाला कॉमेडी ना होते हुए भी किसी सोशल इशू को लेकर उसके साथ एक कहानी बनाई गई है जो फनी भी है, सीरियस भी है, तो आप उसे कॉमेडी कहेंगे लेकिन एक ब्लैक कॉमेडी कह सकते हैं. तो ऐसी टाइप की भी फिल्म को मैंने हाँ किया है.